Dasaka and welcome to the Mini Talkies and a very happy new year to all of you. भाई एक साल निकल गया, दूसरा साल आ गया. अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार क्या है, एक और साल ही तो आया है. But I would like to tell you, जो मौका मिलता है celebration का कर डालो यार. We should always keep celebrating life. छोटी 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 खुशियां ढूंढ के सेलिब्रेट करो आराम से. तो अब बीइंग अ सिनेफाइल, मैंने सोचा कि जरा सिनेमा को ही सेलिब्रेट कर लिया जाए और भारतीय सिनेमा यानी इंडियन सिनेमा का तो और भी सेलिब्रेट कर लिया जाए. तो देखते हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज के बारे में. चलिए लेट्स डाइव इनटू इट. पहले ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे, शाहरुख खान की फैन होने के नाते सबसे पहले तो मैं इंतजार कर रही हूँ पठान का. अब जब से ये मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है, ये मूवी तब से ही रिपल्स क्रिएट कर रही है. मतलब पहली बात तो ये कि इसमें शाहरुख खान दिख रहा है हमें आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. दूसरी बात ये कि शाहरुख खान के साथ में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम एज अ विलन दिख रहे हैं. ओहो हो, वाह 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 वाह. एंड तीसरा, रीसेंट रिपल्स कॉन्ट्रोवर्सीज की तो भरमार लगा दी है इस मूवी ने. बट हेटर्स गोना हेट एंड मूवी गोअर्स आर गोना जस्ट लव शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण एंड पठान. तो यस, पूरा इंडिया इस फिल्म का वेट कर रहा है, रिलीजिंग ऑन द 25th ऑफ जैन, जल्दी ही. ओके 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 सलमान खान फैंस, ओके समझ गई मैं. सेकंड नंबर पे उन्हीं की मूवी डाली है टाइगर 3. जी हाँ, टाइगर 3 इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द टाइगर सीरीज, जिसमें पहली थी एक था टाइगर, दूसरी थी टाइगर जिंदा है, अब आने वाली है टाइगर 3. और इसकी स्टार कास्ट में सलमान खान तो है ही, उनके साथ में कटरीना कैफ भी है ही, बट इस बार इमरान हाशमी भी हैं. और तो और सूत्रों के अनुसार पठान और टाइगर 3 का क्रॉसओवर भी होने वाला है, जिसमें सलमान खान पठान में और शाहरुख खान टाइगर 3 में भी कैमियोज में दिखने वाले हैं. सो इट विल बी अ डिलाइट टू वॉच मेरे करण अर्जुन आएंगे. इसके बाद आदि पुरुष, रिलीजिंग ऑन द 10th of November. अब ये मूवी अपनी इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड है. इसमें प्रभास इज प्लेइंग द रोल ऑफ श्री राम एंड सैफ अली खान इज प्लेइंग द रोल ऑफ लंकेश एंड इज बीइंग मेड बाय ओम राउत फ्रॉम द तानाजी फेम. तो ऑब्वियसली सारी ऑडियंस इस मूवी के लिए बहुत वेट कर रही थी, बट इसका ट्रेलर टीजर देखकर तो बीटी हो गई यार. स्पेशली इतने पुअर वीएफएक्स एंड द लुक दैट दे गेव टू लंकेश सैफ अली खान, इट वाज पथेटिक. मूड खराब कर दिया था भाई. होगा भी ना, इस मूवी में मोर देन 500 करोड़ गए हैं. ओम राउत जी क्या कर रहे हो आप. बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर दिस मूवी एंड आई होप कि इसको ठीक ठाक करके जोड़ मोड़ के एकदम अच्छे से प्रेजेंट किया जाए. अब रिलीजिंग ऑन द 16th of June. तीसरी मूवी, रिमेंबर व्हेन संदीप रेड्डी वांगा सेड दिस, आई वांट टू टेल देम, आई विल शो देम व्हाट वायलेंट फिल्म विल बी. या फिर रणबीर का ये लुक. जब इस मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था तब से हम सब दिल थाम के बैठे हैं इस अनिल कपूर, रणबीर कपूर, परिणीति चोपड़ा, रश्मिका मंदाना एंड बॉबी देओल स्टारर एनिमल के लिए. ये रिलीज होने वाली है 11th August को. ओहो हो, आजकल पैन इंडिया मूवीज का चलन सा है एंड शाहरुख खान ने तो ठान ली है इतने साल की एब्सेंस को वो एक साल में ही पूरा कर देंगे, अपने ऑडियंस को नाराज नहीं करेंगे. तो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज ऑफ 2023 is also Jawan, being directed by the celebrated Tamil industry director Atli, and इसमें शाहरुख खान के opposite leading lady हैं नयनतारा. और तो और इस movie के teaser में शाहरुख खान का जो look था, माशाल्लाह, never seen before. And this movie is also going to release in 5 different languages. इसे कहते हैं असली पैन इंडिया मूवी, रिलीजिंग ऑन द 2nd of June. इसके बाद की जो मोस्ट अवेटेड मूवी है उसके डायलॉग्स का तो रट्टा मार रखा है पूरे हिंदुस्तान ने, चाहे वो फ्लावर नहीं फायर है मैं झुकेगा नहीं या फिर वो गाना हो श्रीवल्ली. फैंस पागल हो गए थे पुष्पा 1 द राइज देखकर. और इसी का सेकंड इंस्टॉलमेंट पुष्पा 2 द रूल आने वाली है इस साल. अब चाहे वो अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर हो एज पुष्पा एंड उनका स्वैग या फिर फहद फासल का वो नोटोरियस कॉप. और तो और रश्मिका मंदाना इसी मूवी से नेशनल क्रश बनी थी इंडिया का. तो पूरी जनता इस मूवी के लिए भी बहुत वेट कर रही है. क्यों इतना लेट, क्यों भाई? डंकी 22nd December को रिलीज होने वाली है, इतनी लेट. मतलब डंकी के लिए भी हम सारे
शाहरुख खान फैंस क्या पूरी इंडिया ही एक्साइटेड है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन शाहरुख खान इज कोलैबोरेटिंग विद राजकुमार हिरानी एंड ही ऑल्सो हैज तापसी पन्नू इन द मूवी। मोर ओवर इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है, इट्स बेस्ड ऑन इलीगल माइग्रेशन, तो काफी लेट रिलीज हो रही है, पर चलो ठीक है, कर लेंगे वेट सिर्फ शाहरुख खान के लिए। अब मेघना गुलजार की जो नेक्स्ट मूवी है, इट्स बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, अ वॉर वेटरन, और नाम भी क्या कमाल का रखा है, सैम बहादुर। और तो और विकी कौशल का लुक एज सैम बहादुर इतना वायरल हुआ है बिकॉज ही इज लुकिंग डिटो लाइक हिम। अब इस मूवी में सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख फिर से दिखेंगी बट नॉन रिलेटेड रोल्स। सानिया मल्होत्रा इज प्लेइंग द रोल ऑफ सैम मानेकशॉ'स वाइफ सीलू एंड फातिमा सना Shaikh is playing the role of former Prime Minister Indira Gandhi. Sam Bahadur is going to release on the 1st of December. अब ये जो next movie है ना, ये starting से जब से launch हुई है, announce हुई है, तब से ही Pan India movie के तौर पर launch हुई है। Salaar, made by Prashant Neel from the KGF film. अब Prashant Neel ने सोचा यार audience को मैंने हिला के तो रख दिया ही है, थोड़ा और हिला देता हूँ, तो वो ले आए प्रभास को और बनाने लगे उनके साथ सालार। फिर उन्होंने सोचा यार थोड़ा और हिलाया जाए, तो वो पृथ्वीराज सुकुमारन को भी साथ में ले आए। साथ में उन्होंने तड़का धारा श्रुति हसन का। इस मच अवेटेड मूवी की पूरी टेक्निकल टीम इज द सेम एज KGF। तो चलिए दिल थाम के बैठते हैं सालार के लिए भी, टू बी रिलीज ऑन द 28th of September। और इसके बाद की मूवी एक प्रॉपर अच्छी रोम कॉम का हम कब से वेट कर रहे हैं बाबा। फिल्म मेकर करण जौहर टर्न्स इट डायरेक्टर अगेन विद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आफ्टर ए दिले मुश्किल। इस फिल्म के स्टार्स है रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, जया बच्चन एंड शबाना आजमी भी। ये रिलीज होने वाली है ऑन द 28th of April। तो ये थी सारी मच अवेटेड मूवीज ऑफ 2023। इस साल का लाइनअप ऑलरेडी तैयार है, मच 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 एक्सपेक्टेशंस है इन सारी मूवीज के साथ में। अब कौन खरी उतरती है ऑडियंस के तराजू पे और कौन बैठ जाती है, ये तो आगे ही देख कर पता चलेगा। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें टू मिनी टॉकीज एंड कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इन मूवीज में से कौन सी और इनके अलावा कौन सी मूवी के लिए बहुत वेट कर रहे हैं टू बी रिलीज्ड इन 2023। लव एंड पीस ऑलवेज, जी और जीने दो, क्या पता कल हो ना हो। अंटिल द नेक्स्ट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट, सी या।